अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। थैंक यू। इसके बनाए हर खाने का स्वाद रूही के खाने के जैसा क्यों है? कहीं नहारची ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? कौन हो तुम? हम चकोरी, इस घर की बावर्ची। झूठ, तुम चकोरी नहीं हो, तुम मेरी रूही हो। जी मैडम जी, कटोरी। शुक्र है भगवान का कि ये सिर्फ सपना था। खाटू जी, मैं जिंदगी भर तो नाहर जी से अपना चेहरा नहीं छुपाना चाहती, लेकिन इतनी विनती है कि जिस दिन मेरा चेहरा नाहर जी के सामने आए, उस दिन उस शख्स का सच भी सामने हो जो हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। रूही अपने घर वापस चली गई है मेरे बिना किसी मेहनत के, ये बड़ी बात है। चला जाऊंगा। चलो ये रूही अपने कपड़े नहीं लेकर के गई? मैं वैसे ही भिजवा दूंगी। रूही तो चली गई। अच्छा, इतनी रात को दरवाजा क्यों खुला है? नाहर जी, इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं? कहीं उनको सर्दी लग गई तो? नहीं नहीं, मैं अगर ऐसे उनको बोले जाऊंगी तो कहीं उनको मुझ पर शक ना हो जाए। रोहित, जब हम साथ थे ऐसे ही तारों को देखकर ये दुआ करते थे कि हम कभी अलग ना हो, हमारे बीच कभी दूरियां ना आए। लेकिन आज देखो तुम मुझसे कितनी दूर हो। क्या तुम्हें मेरी या इस घर की बिल्कुल याद नहीं आती रूही? बहुत याद आती है नाहर जी, इसीलिए तो इन दूरियों को कम करने के लिए मैं यहां इस रूप में आई हूं। पता है, आज का खाना खाकर ऐसा लगा जैसे उस खाने में तुम्हारे हाथ की मिठास हो। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं। या नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। तुम
मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई था? जब तक छोटी माँ की नाराजगी दूर नहीं हो जाती, मैं रोहित से बात नहीं कर सकता। जाने अनजाने में उसने छोटी माँ का दिल बहुत दुखाया है। गलत फहमी मैं दूर करके रहूंगी। अब वक्त आ गया है दूसरी चाल चलने का। सड़क पे चलने वाले भी इंसान हैं। सड़क पे चलने वालों को हादसों से चौकन्ना रहना चाहिए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। चकोरी, तुम्हें पक्का यकीन है कि वो चोर ही था? नहीं मतलब बिल्ली हो सकती है, तुमने कोई बुरा सपना देखा हो? नहीं नहीं माजी, ये हमारा कोई वहम नहीं था, हमने कोई सपना नहीं देखा, बल्कि वो चोर सच में था। नहीं नहीं, वो चोर नहीं, कोई चोरनी थी। चोरनी? 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 मैडम जी, हम तो सोने जा रहे थे कि अचानक से हमें कोई आवाज आई। जैसे ही हमने नीचे आकर देखा तो वो हमें देखकर भागने लगी, और हमने बाहर बागीचे की रोशनी में उसे भागते हुए देखा। आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। मैडम जी, हम सच कह रहे हैं कि हमारा कोई वहम नहीं था, वो एक औरत ही थी। मम्मा, ये सही बोल रही है कि देखिए पैरों के निशान, कोई तो था। रात का ही कोई औरत? एक्चुअली पापा, थोड़ी देर पहले मुझे भी आवाज आई थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब चकोरी, कैसी थी वो औरत? नहीं मतलब तुमने उसका चेहरा भी देखा था क्या? चेहरा? अब मैडम जी, हमको ज्यादा याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, उसके इतने छोटे छोटे बाल थे यहाँ, और कपड़े बहुत आज के जमाने के पहने थे, जैसे साहब जी नहीं पहनते, वो आदमी वाला शर्ट और सब वैसा कुछ पहना था। ए चिकनी, फिकर ना, अपन जिस शहर में कांड करती है ना, उधर 3 साल के बाद ही वापस आती है। ये तो बहु गुरु माँ जैसा पहनावा बता रही है। क्या गुरु माँ यहाँ पे आई थी? वो अब घर तक पहुंच गई? सभी तो हैरान लग रहे हैं,
किसी के चेहरे से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन गुरुमा के साथ मिला हो सकता है। ये संदूक कैसा है और इस पे तो ताला भी लगा हुआ है। अरे हाँ, ये पहले तो नहीं रखा हुआ था, कहीं चोर ने ही तो नहीं रखे गई। बड़ा अजीब चोर है, मतलब चोरी करने के बजाय अपना सामान छोड़कर भाग गया। मैं देखता हूँ इस संदूक में क्या है, आखिर इस चोर के बारे में कुछ तो पता चले। हे भगवान, कहीं इस संदूक में गुरुमा ने कुछ एहसास तो नहीं किया मेरे नाम का, कहीं मेरा राज तो नहीं खोल दिया। अगर नाहर जी ने ये संदूक खोल दिया तो मैं चोर का पता कैसे लगा पाऊंगी। साहब जी आप रुकिए, आप इतनी रात को इस संदूक मत खोलिए, क्या पता उस चोर ने इसमें कोई बम रख कर गई हो। बम इसमें, ऐसे कौन बम रखता है, कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। नहर रहने देते हैं ना, वो क्या पता चोर ने उसमें कुछ सांप या बिच्छू कुछ रखा हो और खोलते ही वो तुम्हें डस ले तो। नहर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, रहने दो ना प्लीज। हाँ, हमने तो सुना है कि इसमें बेहोशी की दवा भी होती है, अब क्या पता कि आपने इसको खोला और सब बेहोश हो गए। एक काम करते हैं, हम इसको रहने देते हैं, कल सुबह आराम से बागीचे में खोलेंगे। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। पुलिस आई तो मैं असली मुजरिम को कैसे पकड़ूंगी? पुलिस आई तो मामला और बिगड़ जाएगा। साहब जी, इतनी रात को पुलिस आएगी तो अड़ोस पड़ोस के लोग जग जाएंगे, रात भर पुलिस तफ्तीश करेगी तो माता जी माँ जी किसी की नींद पूरी नहीं होगी, फिर कहीं इनकी तबीयत ना खराब हो जाए। मुझे कुछ नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, चकोरी सही कह रही है दादी, मान लो हम लोग इस संदूक को खोले और इस संदूक में कुछ निकला ही नहीं तो पुलिस आएगी और चार बात सुनाएगी। इससे बेटर है कि अभी ये संदूक हम लोग कहीं कोने में रख देते हैं, बाद में फिर देखा जाएगा कि इसमें क्या है। नहर बेटा, मुझे लगता है कि अग्नि और चकोरी सही कह रही है। बेटा हमें कोई खतरा नहीं लेना चाहिए और पुलिस को भी कल ही बुलाते हैं। देखो बेटा, अगर रात में कोई गड़बड़ी हो गई ना तो हमें डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, तुम सुबह उठ के देख लेना। हाँ ठीक है, पर कल सुबह होते ही मैं खोलूंगा इसे। हाँ हाँ, अब चकोरी इसे ना उस कोने में ले जाकर रख देना। जी जी माता जी। चलो अच्छा है, ये काम वाली किसी काम तो आई। सुनो, अच्छे से नजर रखना हर चीज, और हाँ सारे दरवाजे खिड़की बंद करके सोना। जी अम्मा जी। चलिए अभी रात खराब नहीं करते हैं, सब लोग सो जाते हैं। अब जो भी गुरुमा के साथ मिला होगा वो इस संदूक को खोलने जरूर आएगा। ये पता लगाना होगा कि आखिर संदूक में क्या है। ये संदूक गुरुमा के साथ मिले हुए साथी का राज खोलेगा। मुझे पूरा सतर्क रहकर देखना होगा कि आखिर ये संदूक कौन लेने आता है, ताकि जैसे ही वो आए मैं उसे पकड़ पाऊं। क्या हो सकता है उस संदूक में, ये गुरुमा भी ना, जब तक मैं इसे पूरा पैसा नहीं दे देती मुझे उससे ही ब्लैकमेल करती रहेगी। कहीं उस संदूक में मेरे खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है।
पर अगर ऐसा हुआ तो इस घर से मेरी हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले कि वो संदूक कोई और देखे मुझे पता करना होगा आखिर गुरुमो ने उसमें भेजा क्या है। लेकिन कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हैं आप, क्या है ये सब, और ये कंबल क्यों डाला मेरे ऊपर ऐसे? साहब जी वो हमको लगा कि फिर से कोई चोर आ गया। अब माफ कीजिएगा। चोर घर के बाहर से आता है ऐसे, अंदर से नहीं। और मैं तो ऊपर से आ रहा था, वो मुझे पानी पीना था इसलिए। पर साहब जी आपके हाथ में तो टॉर्च था, तो हमको लगा कि चोर ही आया होगा। अरे ये टॉर्च तो मुझे वहाँ नीचे गिरी हुई मिली, मुझे लगा आपकी टॉर्च है। माफ कीजिएगा साहब जी, लाइए हम आपके लिए अभी पानी लेकर आते हैं। लीजिए। मुझे कुछ संदूक का ये संदूक कहाँ चली गई, कौन लेकर गया इसे, अचानक से गायब कैसे हो गया, यही तो था। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये बात तो तय है। किसी घर का कोई है जो वो संदूक लेकर गया है। नाथ जी ने कहा था ये टॉर्च को नीचे गिरी हुई मिली थी, मतलब कोई था जो नीचे आ रहा था, लेकिन नाथ जी को देखकर सतर्क हो गया। पर वो था कौन? ये टॉर्च यहां क्यों पड़ी है? इसको किसी और चीज से खोलना पड़ेगा। पर किससे? तब तक इसे कहीं छुपाना होगा, लेकिन कहां? हाँ, वहां छुपा देती हूँ।
संदूक आखिर गायब कैसे हुआ? मतलब कल चकोरी ने यही रखा था ना? पता नहीं साहब जी, कल रात में ही अचानक से गायब हो गया। गायब हो गया क्या मतलब? तुम्हें गायब किया होगा। क्या पता उसमें कोई खजाना हो और तुम्हारे मन में लालच आ गया, इसलिए तुमने उसे छुपा लिया। नहीं नहीं माता जी, हमने नहीं लिया। आप चाहे तो हमारा कमरा देख लीजिए, हम कोई चोर नहीं है। चोर था, अपना सामान भूल गया था, वापस आकर ले गया होगा। देखो जो भी बात है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर संदूक गायब है इसका मतलब वो चोर वापस आया था। हम इस बात को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पनार, हम लोग पुलिस को कहेंगे क्या? मेरा मतलब है कि ना हमारे पास चोर का पता है, ना संदूक है, पुलिस को बोलेंगे क्या? पुलिस आएगी ना तो चकोरी को ही चोर समझेगी, क्योंकि चकोरी नहीं है ना मतलब हमारे घर में। तो अपनी सही बोल रही है, अगर पुलिस आई तो फिर मुझे घूंघट भी उठाना पड़ेगा। नहार बेटा सुनो ना, इस बात को ही रहने दो बेटा, फालतू में बात बढ़ा के क्या फायदा है। और चकोरी तुम अच्छे से नजर रखना, अगर दोबारा वो चोर आया ना तो हम पक्का पुलिस में शिकायत करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। अच्छा सुनो समर, तुम भी मेरे साथ आज ऑफिस चल रहे हो मीटिंग में, जाओ तैयार हो जाओ। जी भैया। मुझे सभी के कमरों की सफाई करते वक्त पता करना होगा कि संदूक किसने लिया है।